बारिश के लिए एक और जहां बाढ़ आ रही है और हालात भयानक हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश के नहीं आने पर महिलाएं मटके फोड़ रही हैं और महिलाओं के डर से बाजार बंद हो रहे हैं। कहां ऐसा आयोजन हो रहा है और क्यों हो रहा है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महिलाओं द्वारा मटके फोड़ने की परंपरा अभी तक आपने शायद ही देखी होगी, लेकिन राजस्थान में बारिश की कामनाओं को लेकर महिलाएं मटके फोड़ती हैं और बाजारों में निकलकर उन दुकानदारों के पास जाती हैं जो कंजूस हैं और उनकी वजह से बारिश नहीं आ रही हैं। महिलाएं जब बाजार में जाती हैं तो हड़कंप मच जाता है, बाजारों के दुकानों के शटर डाउन हो जाते हैं और महिलाएं उन दुकानदारों के सामने मटके फोड़ती हैं, कई अंदर फोड़ती हैं, कई बाहर फोड़ती हैं। और ये नज़ारे जब होते हैं तब एक कोतवाल सा जाग जाता है। आप भी देखिए इस अनूठे नज़ारे को। राजस्थान में ये परंपरा प्राचीन परंपरा है और बारिश की कामनाओं को लेकर महिलाएं ऐसे जतन करती रहती हैं। महिलाओं का समूह निकलता है घाट से और पानी के किनारे ये अपने मटके भरती हैं, नदी के किनारे, सागर के किनारे, और ये मटके फोड़ती हैं मंदिर के द्वारे कि हे प्रभु, अब तक आपने बारिश क्यों नहीं की। ये महिलाएं भगवान से नाराज होकर भगवान के द्वार पर मटके फोड़ रही हैं और भगवान को शिकायत कर रही हैं कि अब दोहरा रवैया आप न अपनाएं और हमारे इधर भी आप बारिश करें, क्योंकि कई जगह भरपूर बारिश हो रही है, कई बाढ़ आ रही है, तो हमारे पर भी आप भरपूर कृपा करें। मटके फोड़ने के पूर्व महिलाएं झीलों के तट पर जाती हैं और भगवान को गीतों के माध्यम से बारिश की कामना करती हैं। राजस्थान की ये क्या परंपरा है और बारिश में क्यों ये अपनाई जाती हैं, इसके लिए हम जानेंगे इन महिलाओं से ही क्या कर रही है महिलाएं। आप भी देखें हमारे साथ। हेलो राजमाली, माली समाज से हम सब, और सबका अनुरोध था भाई जब तक ये मटकी नहीं फोड़ेंगे तब तक बरसात नहीं आएगी, तो हर साल हम ये मटकी फोड़कर रखते हैं और भगवान इंद्र को ऋचा दे भाई आप आओ और बरसों को और बरसात सब जगह हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, उस वजह से मटकी फोड़ कर रखा है हर जगह भगवान के यहाँ पे सब जगह। और एक तरह से इंद्र भगवान को गाली देने का काम होता है कि जितनी गालियाँ खाएंगे उतनी जोर से बरसेगा हमें, इसलिए गांड की पूजा की। और दूसरा ये कि कोविड जो चल रहा है वो कोविड कोरोना यहाँ से चला जाए उसकी भी कामना करें, उसकी भी प्रार्थना करते हैं।
बाकी हम यहाँ पर सभी औरतें महिलाएं इकट्ठी होकर गणगौर घाट पर अच्छी बारिश की कामना के लिए गणगौर घाट पर पूजन करने जाते हैं। पूजा के बाद हम सभी मंदिर दुकानों से सब मटके फोड़ते हुए आते हैं और दुकान वाले हमें गाली देते हैं, लेकिन वो गाली हमें नहीं लगकर मतलब इंद्र भगवान को लगती है और वो इंद्र भगवान क्रोधित होकर अच्छी बारिश करते हैं। और हम गुगरी का प्रसाद बनाते हैं, गुगरी का प्रसाद बनाकर सबको वितरण करते हैं और